अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कौसम मॉम्स किचन। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। आज हम आपके साथ गेहूँ के आटे के चीले की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये हेल्दी होने के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है डोसा। रेसिपी शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा। हमने 2 कप गेहूँ का आटा लिया है, इसमें हम ऐड कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डोसा बैटर रेडी कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। आप चाहे तो इस स्टेज पे डोसा बना सकते हैं, आप चाहे तो इसमें एक अंडा भी तोड़कर ऐड कर सकते हैं। अब हम डोसा बैटर में कटे हुए टमाटर ऐड कर लेंगे। हमने एक टमाटर को कट करके रखा था, हमने 5 हरी मिर्च को चॉप करके रखा, उसे भी ऐड कर लेंगे। इसमें 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए कांदे ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। ये सभी चीज़ जो है, कांदा, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया ऑप्शन है, आप चाहे तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही डोसा बना लीजिएगा। ये सभी चीज़ें ऐड करने से डोसा जो इतना टेस्टी बनता है कि इसे कोई भी साइड डिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे ऐसे ही खा सकते हो। अब हमारा डोसा बैटर रेडी हो गया है, अब हम डोसा बना लेते हैं। हमने गैस पर तवा रख कर उस पर ऑयल ग्रीस कर लिया है। हम तवे पर डोसा बैटर डाल देंगे, तो हल्का फैला देंगे। हम किनारे में थोड़ी सी ऑयल डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर रखकर डोसे को एक साइड से क्रिप्स होने देंगे। डोसा एक साइड से क्रिप्स हो गया, हम डोसे को दूसरे साइड पलट देंगे। दूसरी साइड भी थोड़ी सी ऑयल डालेंगे। अब हमारा व्हीट फ्लावर डोसा रेडी हो गया। डोसा दोनों साइड से क्रिप्स हो गया, हम डोसे को निकाल लेंगे। हम इसे थोड़ा से और से बना लेंगे। हाँ, दूसरा डोसा भी रेडी हो गया है, हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हमारा टेस्टी हेल्दी व्हीट फ्लावर डोसा सर्विंग के लिए रेडी है। हम इस डोसे को ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, आप चाहे तो इसे नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। अगर आप छोटे बच्चों को ये डोसा सर्व करने वाले हैं तो आप टमाटर केचप के साथ सर्व कर सकते हो। अगर आपको हमारी ये यमी यमी डोसे की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।